नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के सीधी मोहिना घाटी टनल का लोकार्पण 10 को। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे लोकार्पण। जाने इस सुरंग के बारे में सब कुछ। मोहिना घाटी सुरंग का उद्घाटन मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग यानी मोहिना घाटी की 6 लाइन ट्विन टनल का काम पूरा हो गया है। अब रीवा सीधी सुरंग का उद्घाटन होने की देरी है, बाकी इस टनल का काम तो वक्त से पहले ही पूरा हो चुका था। झांसी रांची NH-75E के बीच में रीवा और सीधी की सीमा में मौजूद मोहिना घाटी के पहाड़ों को बीच से काटकर बनाई गई यह 6 लेन सुरंग 2300 मीटर लंबी है, जो एडवांस सिस्टम से लेंस है। मोहिना घाटी की सुरंग में क्या क्या सिस्टम है? 2300 मीटर लंबी मोहिना घाटी की सुरंग मध्य प्रदेश की सबसे लंबी 6 लेन वाली टनल है। आइए मोहिना घाटी सुरंग की खूबियां जानते हैं। सुरंग में अगर आप प्रवेश करने के बाद यू टर्न लेना चाहते हैं तो इसे ध्यान में रखकर सुरंग का निर्माण किया गया है। रीवा सीधी टनल में ऐसे 6 पॉइंट दिए गए हैं जहाँ से आप अपना रास्ता बदल सकते हैं। सुरंग 6 लेन बनाई गई हैं जहाँ 2 पहिया, 4 पहिया और बस, ट्रक जैसी भारी वाहन सुरक्षित तरीके से सुरंग को पार कर सकते हैं। सुरंग की सड़कें इतनी चौड़ी हैं कि यहाँ जाम नहीं लग सकता। दोनों लेन की चौड़ाई 13-13 मीटर है और ऊंचाई 6 मीटर, मतलब एक लेन में एक साथ 3 ट्रक आराम से गुजर सकते हैं। टनल के अंदर अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो CCTV कैमरा से कंट्रोल रूम तक तुरंत इसकी जानकारी पहुंच जाएगी और जल्द से जल्द NHAI की टीम यहाँ पहुँच जाएगी। सुरंग में लूट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस बल का एक दास्ता हमेशा गश्त करता रहेगा। बारिश के वक्त यहाँ पहाड़ों से रिसने वाले पानी को रोकने के लिए अलग से वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया। सुरंग की दीवारों में वाटर प्रूफिंग सिस्टम, बाहर एक STP बना हुआ है जो पानी को फिल्टर करता रहे। मोहिना घाटी की सुरंग में 24 घंटे रोशनी रहेगी। यहां तक बिजली पहुंचाने के लिए एशिया के सबसे बड़े गुड सोलर प्लांट से जोड़ा गया NHAI को रास्ते में सोलर बिजली मिल गई। सुरंग के भीतर हर 20 मीटर से हाई नामक मास्क लाइट लगी हुई है। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। 10 तारीख को ये लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक खर्चे से रीवा सीधी के बीच में 2.3 किलोमीटर का ये टनल बनाया गया है, जिसमें कि 25-30 किलोमीटर की दूरी को कम किया है, समय को कम किया है। जहाँ पहले हमको सीधी जाने के लिए 2.5-2 घंटे का समय लगता था, अब केवल हम लोग 1.25-1.5 घंटे में बड़े आराम से पहुँच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सौगात दोनों जिलों के लिए है और इसी के लिए परिवहन मंत्री जी का आगमन हो रहा है, आदरणीय गडकरी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। उसी की तैयारी की समीक्षा कमिश्नर महोदय, IG महोदय, कलेक्टर साहब, SP साहब, सीधी जिले के कलेक्टर साहब, SP साहब के द्वारा की गई थी, जिसमें कि हम लोगों ने भ्रमण किया है। दोनों जगहों पर कार्यक्रम होगा, जनसभा को संबोधित करेंगे माननीय स्पीकर और बाकी पूरी कम्प्लीट है। कम्प्लीट है पूरा? हाँ जी, टनल कम्प्लीट है। टनल आम जनता के लिए अभी चालू है, उसको सार्वजनिक तौर पर बेहतर ढंग से जनता के लिए लोकार्पण कार्यक्रम वो कार्यक्रम होगा और फिर इसके पश्चात अधिकृत रूप से टनल का शुभारंभ होगा।